अब खबर हनुमानगढ़ जिले से है, जहां SC ST समुदाय द्वारा 21 अगस्त को प्रस्तावित भारत बंद को लेकर हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर कानाराम ने शांति बनाए रखने की अपील की है। जिला कलेक्टर ने बंद के दौरान किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान नहीं देने की बात कही। बंद को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है। सभी थाना स्तर पर व्यापारियों, विभिन्न संगठनों और दलित दलों से बैठक की गई। भारत बंद को लेकर शांतिपूर्ण माहौल में धरना प्रदर्शन और बाजार बंद को लेकर भी जिला कलेक्टर ने अपील की है। तो वहीं हनुमानगढ़ SP विकास सांगवान ने भी VC के जरिए सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया है। नोहर से सेठी गोदारा की रिपोर्ट। कल जो SC ST समुदाय द्वारा भारत बंद का आह्वान किया गया है, उसी कड़ी में आज मैं और SP साहब दोनों मिलकर इस बंद से जुड़े जितने भी स्टेक होल्डर हैं उन सबके साथ मीटिंग की गई, और कल का बंद पूरे जिले में शांतिपूर्ण रहे इसको लेकर सभी स्टेक होल्डर से चर्चा की गई, और सभी ने इस बाबत पूर्ण सहयोग प्रदान करने में हमें आश्वस्त किया। और जिले में जो है इस आंदोलन से जुड़े हुए जितने भी समूह हैं उन सब ने पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया। मेरा सभी जिलेवासियों से आग्रह है कि कल का बंद जो है वो शांतिपूर्ण हो, किसी तरह की मिस इन्फॉर्मेशन या गलत सूचना सोशल मीडिया या अन्य किसी माध्यम से वायरल नहीं हो, ये हम सबकी कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इसमें किसी भी तरह की जो है अफवाह फैलाई जाएगी तो उसके हम सब पर।